सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया हो गए यार। सो आज अगेन अपन फिर से अपने लखनऊ एक्सप्रेसवे में हैं, और आज अपन जो एक टेस्ट करने जा रहे हैं वो अपने स्कॉर्पियो का करेंगे भाई, कि इन टायरों के साथ और कितना केबिन नॉइज आता अपने। एक तो कैमरा क्या बोलते हैं आप, ये वाला देखोगे, और एक कैमरा मैंने क्या बोलते पीछे लगा रखा वहाँ पे। तो क्या होता है ना कि स्कॉर्पियो काफ़ी बड़ी गाड़ी है, तो जिससे ये होता है कि केबिन नॉइज थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो आज अपन वही चेक करेंगे। और क्या है ना कि ये 80 टायर्स के साथ केबिन नॉइज वो कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता, मतलब सुनाई देता है। तो वो भी आज लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितना केबिन नॉइज इन टायरों के साथ आता है। खैर, नॉर्मल टायरों से थोड़ा सा केबिन नॉइज इसमें ज़्यादा आता है। और मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूँगा ना कि रनिंग कार में थोड़ा सा कम फेस कैम शूट करूँगा, क्योंकि क्या रहता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है। और काफ़ी आजकल चल रहा है यूट्यूब पर कि क्या बोलते व्लॉगर्स लोग चलती गाड़ी पर वीडियो बनाते हैं अपने फेस कैम की, तो उसके भी हम ध्यान रखते हुए कोशिश करेंगे। और प्लीज़ यार, नीचे लाल बटन है ना, सब्सक्राइब करके जाओ यार। आप लोग यार वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब कम करते हो, 90% से ज़्यादा लोग वीडियो देखते हो और केवल 5% सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? ओके, देखो यार, स्कॉर्पियो गाड़ी के ना बहुत बढ़िया बढ़िया सी कंटेंट है मेरे पास ना, जो मैं लेके आता रहता हूँ और आप लोगों को नॉलेज देता रहूँगा। क्योंकि देखो, अब स्कॉर्पियो तो है ही और एक क्लासिक हो चुकी है भाई, तो उसके भी धाकड़ कंटेंट आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और एक कैमरा पीछे लगा। पीछे वाला कैमरा ये है कि मेरा सैमसंग का S20 है, तो थोड़ी सी क्वालिटी डाउन रहेगी। पर ये जो फ्रंट कैम है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ भाई, ये आईफोन, तो क्वालिटी इसमें आपको अच्छी मिलेगी। वो वाला कैमरा थोड़ा सा हिलेगा क्योंकि आज मेरे पास कोई बंदा नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। तो अभी अपन चल रहे हैं, आप देख सकते हो 60 की स्पीड में 40 की, मतलब 60 की स्पीड में फोर्थ गियर लगा है यार। तो केबिन नॉइज आप देख लो, मैं चुप हो जाऊँगा। अभी देखो, तो बात करो यार अपन का एसी सी हम ऑफ कर चुके हैं। वैसे ब्लूअर बंद था, एसी अपन ने ऑफ कर दिया है। और अब मैं गियर डालता हूँ और 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो इससे ऊपर मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ आपको कोई भी कार ड्राइव करने का। तो हम आपको 100 तक तो केबिन नॉइज ज़रूर सुनाएंगे और टायर नॉइज कितना आता है। अपना पीछे वाला कैम भी शूट कर रहा है आपको, बीच बीच में उसकी भी फुटेज चलती रहेंगी। चल रहे थे तब आप कैब टायर नॉइज आपने देखा होगा, और थोड़ी सी विंड भी आ रही थी, तो इसलिए थोड़ा आप जज नहीं कर पाए होंगे।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। अपन एक्सप्रेसवे में अब आगरा पहुंच चुके हैं और आपने देख लिया होगा इन टायरों का क्या परफॉर्मेंस आता है। अपने बीएफ गोदरेज ऑल ट्रेन टायर भाई बेस्ट टायर है। अलाइनमेंट वगैरह भी करानी है अभी लद्दाख से आके अपने इसके अलाइनमेंट दिख रहा है और गाड़ी भी बहुत गंदी हो रखी है क्योंकि यार बारिश का मौसम है। सो आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि अपने स्कॉर्पियो का जो कैबिन नॉइज़ है वो कितना है, क्योंकि यार देखो इसमें डैम्पिंग वगैरह भी कुछ करवाई नहीं मैंने और गाड़ी बहुत गंदी हो गई यार, इसको साफ़ करवानी पड़ेगी यार। और डैम्पिंग के बिना आपने देखा होगा कितना नॉइज़ है आप, क्योंकि फ्यूचर में ना मैं डैम्पिंग वगैरह सब एक करवाने की सोच रहा हूँ। तो एक डाउट पूरा आपका क्लियर हो गया होगा कि कितना क्या है कैसे है। तो चलो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी।